हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मैं आपके लिए पीरियडिक प्रॉपर्टी का पार्ट 13 लेके आया हूँ। ऑलरेडी 12 पार्ट हो चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है उसमें वीडियोज़ में जा करके आप जो है हमारे वीडियो को देख सकते हैं, हमारे पुराने वाले वीडियो को आप देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। तो आज हम इसके पहले हमने एटॉमिक रेडियाई, आयनाइज़ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको जो है हमने पढ़ा दिया है, सबके वेरिएशन को बता दिया है, सबको सबके जो है फैक्टर अफेक्टिंग को बता दिया है, इसको प्रभावित करने वाले कारक को बता दिया है। आज हम सबको एक साथ लेके चलेंगे कि उसमें पीरियडिक टेबल में एक साथ क्या क्या वेरिएशन होते हैं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं एटॉमिक रेडियाई की। तो एटॉमिक रेडियाई देखिए किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या करती है, डिक्रीज करती है, और ग्रुप में जो है क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है, क्योंकि साइज ऑफ द एटम क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए तो आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनीशन आपने जाना हुआ है, पहले से आप लोगों ने जान लिया है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कोई इलेक्ट्रॉन हो किसी एटम में, उसको जो है पुल करने के लिए, उसको आयनाइज करने के लिए जितने एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन एटम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन व्हिच आर असाइंड इन ए एटम आर नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अगर किसी एटम में ऐड किया जाए तो जो उससे से एनर्जी निकलती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को जब कोई एटम अट्रैक्ट करता है, अपने से जोड़ता है, तो उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, इसमें देखिए नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, तो इसमें जो है आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है क्या करती हैं, ये सभी इंक्रीज करती हुई चली जाती हैं। अब एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज, एसिडिक करेक्टर भी जो है लेफ़्ट टू राइट जाने पर किसी पीरियड में ये इंक्रीज करता रहता है। तो क्या क्या इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, एसिडिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज, ये सब क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करता है। ठीक इसी तरीके से हम जब किसी ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो क्या करता है, बेसिक करेक्टर बढ़ता है। बेसिक करेक्टर जो है यानी कि ऊपर से नीचे आने पर बेसिडिटी जो है क्या करती है, जो है वो जो है बढ़ती है, यानी कि बेसिक करेक्टर आप देखिए लिखा हुआ है ऑक्साइड इंक्रीजेज। तो जो इसके ऑक्साइड होते हैं, जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे ऑक्सीजन से जो रिएक्शन करने की क्रिया होती है, जो रेट होता है वो जो है इंक्रीज कर जाता है, तो जिससे क्या होता है, बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड क्या करता है, इंक्रीज करता है। मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, अप टू डाउन आने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या करती है, ये इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी जैसे कि हमने पहले भी बता दिया कि जो है किसी भी जो है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करती है आयनाइजेशन एनर्जी, और जब हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं तो क्या करती है, डिक्रीज करती है। एटॉमिक रेडियाई क्या करती है, अप टू डाउन आने पर इंक्रीज करती है। तो ठीक इसी तरीके से आप जो है इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर अलग अलग वैल्यू दे दी जाती है, जैसे एटॉमिक रेडियाई की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, कौन छोटा है कौन बड़ा है जो है, तो आप जो है उसको इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि किसी ग्रुप में अगर हम जा रहे हैं तो अप टू डाउन आने पर क्या करता है, बेसिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज करता है, मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या करता है, इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है, और अगर हम किसी ग्रुप में जो है
किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा है, नेशनल एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, स्टिक करेक्टर ऑफ ऑक्साइड भी इंक्रीज कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।